देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय YouTube चैनल सूचना पल पल भट्टू में। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटा। शगुन फैशन, दुकान नंबर 2223, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। शगुन फैशन आपके लिए लेकर आया है विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के लेडीज बच्चों के और जेंट्स के लिए रेडीमेड कपड़ों की भरपूर वैरायटियां। यहां पर आपको मिलेंगे लेडीज कुर्ती, प्लाजो, वेस्टर्न ड्रेस, मिड्डी, क्रॉप टॉप, गाउन, लोअर, टी शर्ट, जीन्स टॉप, जेंट्स पैंट शर्ट, बास्केट, कुर्ता पजामा, बच्चों की फ्रॉक, फैंसी ड्रेस, निकर टॉप के अलावा ब्रांडेड कंपनियों के सभी प्रकार के अंडरगारमेंट्स और कॉस्मेटिक की आइटमें, और वो भी सब कुछ बाजार से कम रेटों पर। ब्रांडेड कंपनी की बच्चों की फैंसी ड्रेसेस लेने के लिए अब कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। भट्टू मंडी की एकमात्र वाजिब दाम की दुकान शगुन फैशन। शगुन फैशन, दुकान नंबर 2223, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। भट्टू मंडी में मां शक्ति युवा क्लब द्वारा मां सरस्वती की मूर्ति की नगर यात्रा निकाल किया गया विसर्जन। भट्टू मंडी में मां शक्ति युवा क्लब द्वारा रविवार को मां सरस्वती की मूर्ति की नगर यात्रा निकालकर भव्य भजन कीर्तन के साथ विसर्जन किया गया। शीतला माता मंदिर प्रांगण से माता की मूर्ति की पूजा अर्चना कर यहाँ विधिवत रूप से हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। उसके बाद हर्ष और उल्लास के साथ माता की मूर्ति की नगर यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन करते हुए इस नगर यात्रा में भाग लिया। माता की महिमा का गुणगान करते हुए श्रद्धालु जमकर झूमे। इस अवसर पर पांडव सिंह, अनिल सेन, गोरेलाल, राजेंद्र, सीताराम यादव, किशन, संजय कुमार, दीपक, अजय कुमार, राहुल श्रवण सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद थे। भट्टू कलां में इनेलो की हल्का स्तरीय बैठक को चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किया संबोधित। भट्टू कलां के एक प्लेस में इनेलो की फतेहाबाद हल्का स्तरीय बैठक रविवार को आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्य वक्ता के तौर पर इनेलो के प्रधान महासचिव व एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एलनाबाद उपचुनाव में इनेलो की जीत हुई उसने साबित कर दिया कि आने वाले समय में भाजपा जसपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने में अब इनेलो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून वापस कराने में देश के किसानों ने जो संघर्ष किया वह इतिहास के पन्नों पर लिखा गया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने एक और कानून थोप दिया है जो कि किसान के लिए बेहद घातक साबित होगा। यह कानून तब लाया गया जब वे विधानसभा में नहीं थे। कांग्रेस ने इस दौरान चुप्पी साधकर भाजपा का साथ देने का काम किया। अगर यह कानून लागू हो गया तो शहरी क्षेत्र के नजदीक लगती किसान की जमीन को सर्कल रेट पर हथिया कर 48 घंटे में भूमि को खाली करवाने का पावर सरकार को मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि इसको वापस करवाने को लेकर भी एक और संघर्ष करने की आवश्यकता है। अभय चौटाला ने कहा कि मार्च माह में प्रदेश के हर गांव के लिए दौरा शुरू करेंगे और इनेलो को मजबूती प्रदान करते हुए भाजपा जजपा व कांग्रेस की पोल खोलने का भी काम किया जाएगा। उन्होंने अपनी चिर परिचित शैली में साफ तौर पर कहा कि इनेलो प्रदेश में लोकप्रिय पार्टी उभर कर सामने आ रही है। ऐसे में जो पार्टी को छोड़ सत्ता सुख के मोह में चले गए उन्हें लाने की ओर ध्यान देने की बजाय पार्टी अब नए लोगों व युवाओं को आगे लाने के लिए काम करेगी। चौधरी देवीलाल की राह पर चलते हुए जनता के हितों के लिए संघर्ष कर संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए आगे बढ़ने का बीड़ा उठा लिया गया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा कर जो लोग अब नौटंकी दिखा रहे हैं उन्हीं की बदौलत आज इस भाजपा शासन काल में हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई है, इसलिए कोई नई औद्योगिक इकाई भी स्थापित नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि हमें लोगों के बीच पहुंचकर झूठे वादे कर सत्ता में आने वाले इन लोगों की पोल खोलने का काम करना है। इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद थे।